नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। विश्वविद्यालय से खरीदे मशरूम के बीज, साथ मिलेगी खेती की जानकारी। सेब उत्पादन में वृद्धि का अनुमान, 5,000 करोड़ तक पहुंच सकता है व्यापार। बारिश पर निर्भरता हुई कम, मिल रहा पर्याप्त पानी। फसल बीमा योजना का प्रीमियम भरेगी सरकार, जल्द होगा निर्णय। मखाना पॉपिंग की नई किस्म इजाद, समय और मेहनत दोनों बचाएगी। अब समाचार विस्तार से। झारखंड का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मशरूम के बीज उपलब्ध करा रहा है। 300 ग्राम बीज की कीमत ₹30 रखी गई है। विश्वविद्यालय बीज के साथ मशरूम की खेती के बारे में भी जरूरी जानकारी देगा। विश्वविद्यालय में अभी सफेद दूधिया और ढींगरी मशरूम के बीज उपलब्ध हैं। इच्छुक किसान विश्वविद्यालय परिसर से बीज प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, ग्रीन हाउस, बरामदा, कच्चे घर, हवादार कमरा आदि में मशरूम की खेती की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 1,62,000 मैट्रिक टन अधिक सेब के उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष 6,43,000 मैट्रिक टन सेब उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 4,81,000 मैट्रिक टन सेब बाजार पहुंचा था। मार्च अप्रैल में सेब उत्पादन 9,29,000 मैट्रिक टन होने का अनुमान था। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है, जिससे उत्पादन कम होने की संभावना है। आपको बता दें, सेब के उत्पादन को देखते हुए इस वर्ष सेब का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जल छाजन योजना के तहत झारखंड के सिमडेगा जिले के किसानों को बुआई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। किसानों को साल में 2 से 3 बार पानी मिल जाता है। पहले किसान बुआई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन इस योजना से किसानों की निर्भरता बारिश पर कम हुई है। योजना के तहत क्षेत्र में तालाब, डोभा बनाकर और खेत में मेड़बंदी कर बारिश का पानी का संरक्षण किया जाता है। इससे जमीन के पानी का जल स्तर भी बढ़ता है। मध्य प्रदेश सरकार छोटे और सीमांत किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों का फसल बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने ऐसे किसानों की सूची तैयार कर अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने का के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं में फसलों को नुकसान होने पर सरकार मुआवजा देती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसलों का बीमा कराना होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना के वैज्ञानिकों ने मखाना पॉपिंग की एक नई मशीन बनाई है। इससे मखाने की पॉपिंग करने का काम आसान होगा। साथ ही इससे प्रोसेस्ड मखाने की वैल्यू भी करीब 50,000 रुपए प्रति किलो ज्यादा मिलेगी। यह मशीन मखाने को भुनने के साथ साथ थ्रेसिंग, सुखाने और ग्रेडिंग का काम भी करती है। 2 से 3 दिन में किया जाने वाला काम इस मशीन से महज 20 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस मशीन की कीमत 15,00,000 रुपए रखी गई है। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।